दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस के वायर वॉकर पेटिट की कहानी और मेहनत की बदौलत बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड का किस्सा सुनाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी, अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको किसी चीज के लिए एक जुनून रखना ही होगा। दोस्तों, यह शख्स शुरू से ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहा था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने बॉडी बैलेंस के लिए 7 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। दोस्तों, क्या रात क्या दिन ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे। दोस्तों, कई लोगों ने तो इन्हें पागल भी करार दिया। दोस्तों, कई लोगों ने इन्हें ये भी कहा कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सोसाइटी में कई लोगों ने इन्हें यही ताने भी दिए, कई लोग इन्हें मेंटल तक कह देते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान दुनिया से कुछ अलग करना चाहता है तो उसे अलग ही करना होता है। तो आम लोग उसके सबसे बड़े दुश्मन ही क्यों ना बन जाए, फिर भी वो ऐसा कारनामा कर देते हैं कि वे अनोखे नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने काम पर ध्यान लगाया। दोस्तों, 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार पेरिस में 2 टायर के बीच में रोप चलाकर चलने की सफल कोशिश की और अपने करियर में आगे बढ़ते गए। वैसे उन्होंने अपने नए लक्ष्य बनाए, बड़ा कारनामा किया। 1976 में इन्होंने न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े टायर के बीच में रोप लगाकर चलना शुरू किया। यह रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इसी काम को करने आए थे। तो दोस्तों, ये न सिर्फ रोप पर चलते थे बल्कि रोप पर सो भी जाते थे, हर काम रोप के साथ कर लेते थे। इसके बारे में तो लोग सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ये कारनामा इन्होंने करके दिखाया है और वो शायद कोई और कर भी ना पाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 24 साल की उम्र में अपने देश में क्या दुनिया में सुपरस्टार बन गए थे। जहां भी जाते थे इन्हें हॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर ट्रीट किया जाता था। इनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, तभी तो ये आज एक लेजेंड है। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।